हाय दोस्तों, सब कैसे हो? तो दोस्तों, मेरा बिजी मॉम ब्लॉग चैनल में आप सभी को और एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बहुत दिन बाद एक नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ, क्योंकि बीच में मैं सिर्फ नहीं, मेरी फुल फैमिली बीमार पड़ गई थी। वेदर अचानक चेंज हो गया। चंडीगढ़ में वेदर अच्छा था, तो देख ही सकते हो सुबह सुबह कैसे धूप निकल गई, गर्मी पड़ गई है। अचानक 6-7 दिन से बहुत गर्मी पड़ गई है और फुल फैमिली पूरा वायरल फीवर हो गया था। तबीयत बहुत ख़राब हो गया था दोस्तों। तो सुबह सुबह मैं मेरे योगा में लग गई हूँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ तो योगा करने शुरू कर दिया। बच्चे का स्कूल भी छुट्टी पड़ गया और वो बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। और मेरा तो जिम्मेदारी बढ़ गया ना, वो घर पे है, अभी उसको होमवर्क करवाना है, ड्राइंग करवाना है, बीच में मेरा काम भी करना है ना दोस्तों। तो उसको थोड़ा होमवर्क कराने के लिए बिठा दिया और मैं उसके पास थोड़ा योगा कर रही थी। बट वो तो होमवर्क नहीं कर रही थी, मेरा योगा देख रही थी। ये तो देखने का सौभाग्य नहीं होता है उसका, वो तो स्कूल में रहती है और उसको स्कूल भेज के मैं योगा करती हूँ। अभी तो घर में ही है और सुबह सुबह उठ जा रही है, उसका ये आदत पड़ गया है। सुबह उठ के स्कूल जाती है ना, तो वही आदत इसका अभी चालू है। पता नहीं, और कुछ दिन बाद जाओ ड्राइंग करो, अब फोन देगा ना बाबू, सकाल बेला उठे फोन देगा ना। स्कूल बंद थे एरक जालातन करते हैं मम्मा के। जाओ ये बुकटा देखे देखे, ये बुकटा रेखे, बुकटा देखे देखे ड्रॉइंग करो कपिर मत। जा ওটা করে না, ঠাকুরের ওখানে লেগে যাবে। কি হলো শোনা মা, আমার আর এখন সকালবেলা তো ফোন দেখে না। যা ড্রয়িং করো, পড়াশোনা নয় বিকেলবেলা করবে, এখন ড্রয়িং করো, ঠিক আছে? স্কুল যাচ্ছে না, কত কষ্ট, তাই না? স্কুলে ম্যাম কি সুন্দর ড্রয়িং করায় না বলো, তাহলে তুমি সেটা ঘরে করো। जो तुम्हारे मन में आए देखो, बुक के अंदर क्या क्या है देखो। ट्री, ठीक है? वो कितना सारा ट्री, ट्री ड्राइंग करो बेटा। सुबह सुबह फोन नहीं देखते, जा देखो। बुक लेके सो गए, उठो ड्राइंग करो। देखो तो मैं वीडियो सबको दिखाऊंगी तुम कैसे ड्राइंग किया। हाँ, सबको दिखाऊंगी। ट्री ड्राइंग करो, बटरफ्लाई ड्राइंग करो, बुक देख देख के करो। मेरा सोना बेटा, उठ जाओ, शाम को घूमने जाएंगे, शाम को घूमने जाएंगे, फिर लौट के होमवर्क करना है, ठीक है? अभी तुम सुबह ड्राइंग करो, फिर फोन देखना, ड्राइंग करने के बाद फोन देखना। उठ जाओ देखो कितने सारे ट्री, कितना अच्छा अच्छा देखने में है ट्री। तो ट्री को कलर करो पहले, पहले ट्री को कलर नहीं किया, जल्दी कलर करो, फिर अलग ड्राइंग करो कॉपी में। चलो उठो बेटा, बदमाशी नहीं करो, उठो उठो। घर रहती है तो ऐसे ही परेशानी करती रहती है, स्कूल जाती है तो अच्छा रहता है। उठो बेटा उठो, चलो बात नहीं करते, कट्टी ओके, बात नहीं करते कट्टी, नहीं करती, नहीं बोलो। तो चलो उठो, जल्दी उठो, कलर करो। कलर करने के बाद मैं वीडियो में दिखाऊंगी तुम कितना अच्छा कलर किया। हाँ, बाहर नहीं जाना है, बॉर्डर देना है अच्छे से, ओके? करो, सोना बेटा, तुम्हारा कलर निकालो, देखो सोफा के ऊपर है, कलर निकालो और अच्छे से कलर करो। जो जो बाकी है ना, बचा हुआ है वो करो होमवर्क। देखो सब गिरा दिया। तो देख ही सकते हो बच्चे का नखरे कितनी बढ़ गई है, स्कूल छुट्टी पड़ गई उसके नखरे बढ़ गई है। एक्चुअली बोर हो रही है बहुत, और इतना धूप है, मैं लेके भी कहाँ जाऊँ? शाम होगी, धूप चली जाएगी, तब जाके उसको पार्क में लेके जाऊँगी। तो ऐसे ही भुला के फुसला के थोड़ा सा बिठा दिया, फिर बाकी योगा मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि इसके बाद हमें नाश्ता भी बनाना है, उसको भी थोड़ा खिलाना है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा पीडियाश्योर बिस्किट खिलाई थी। तो मैं जल्दी जल्दी योगा कंप्लीट कर रही थी कि थोड़ा सा रेस्ट भी लेना है, इसके बाद फिर उसको थोड़ा सा खिलाने के लिए मैं मुझे पराठा बनाना है, फिर लंच, बहुत कुछ अभी दिमाग में है, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं योगा कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है ना दोस्तों। जितना भी काम हो उसके बीच में थोड़ा सा 20-25 मिनट निकाल के मैं ये करती हूँ। बट जैसे ही किचन में गई, लड़की मेरी साथ में चली गई, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, वो अभी नखरे दिखाएगी कुछ दिन, तो फिर कुछ दिन बाद आदत पड़ जाएगी। एक्चुअली बोर हो रही है, अभी सुबह सुबह उठ जा रही है, आदत पड़ गई है ना, स्कूल जाते टाइम वो सुबह सुबह उठ जाती है, तो ही आदत अभी चालू है, कुछ दिन बाद फिर चेंज होगी एक्चुअली। तो चलो, उसको भी पराठा बनाना है तो मैं सिखा रही थी, चलो ऐसे ऐसे बनाओ, बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, मम्मी के आसपास घूमती है ना, तो इसीलिए। तो बच्चे, ये मेरी छोटी वाली का बहुत इंटरेस्ट है, बड़ी वाली का उतनी नहीं थी, बट छोटी वाली का बहुत इंटरेस्ट है।
तो चलो उसको पराठा बना के दे दिया। अभी मुझे भी लेके बैठना है क्योंकि मुझे भी तेज भूख लगी है, योगा करी ना तो मुझे भी तेज भूख लग गई है। तो मैं भी पराठा बना के दोनों माँ बेटी लेके बैठ जाऊंगी। तो देखो दोनों मिलके बैठ गई हूँ और वीडियो बना रही हूँ, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे खाती नहीं है, मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसे देख देख के वो खा रही है। खाने में भी बहुत प्रॉब्लम करती है, मतलब ये छोटी वाली मेरी बहुत ही प्रॉब्लम करती है। अभी पता नहीं कैसे वीडियो बनाने देगी, ब्लॉग भी मुझे लेट लेट ही होगा भेजने के लिए क्योंकि ब्लॉग भी बनाने नहीं देती है। तो चलो नाश्ता कर लेती हूँ, इसके बाद लंच भी बनाना है। दोस्तों मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है? शायद अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, इसीलिए आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। बट आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए, न्यू ब्लॉगर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग केवल बड़े ब्लॉगर को वीडियो देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे बोलो? हम लोगों का भी बहुत कोशिश रहता है, बहुत हार्डवर्क रहता है, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, हेल्प नहीं मिलता है। बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीखना बहुत बाकी है दोस्तों। तो चलो अभी नाश्ता कंप्लीट हो गया है, अभी लंच बनाने का इंतजाम हो रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, बहुत गर्मी पड़ गई है। लौकी और अंडा करी, चावल चढ़ा दिया, इधर लौकी भी काट लिया, अभी अंडा करी, दोनों आइटम ही जो बहुत जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा कद्दू चावल के अंदर दे दिया, हम लोग बंगाली ये बहुत अच्छा खाते हैं, कद्दू चावल के अंदर दे के बॉयल कद्दू बहुत अच्छा खाता है। तो कैप्सिकम के साथ अंडा करी बना लूँगी। तो चलो दोस्तों खाना बना लेते हैं जल्दी जल्दी। जो कह रही थी मैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे ब्लॉग? आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हम जो न्यू ब्लॉगर है कैसे आगे बढ़ेंगे? किसी कोई घर पे कोई हेल्प नहीं करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। बहुत दिन से यूट्यूब देख देख के, बहुत सीख के हम सब जो न्यू ब्लॉगर है, ज़्यादातर मेरे बात कर रही हूँ, मैं बहुत दिन से खुद देख देख के सीख के मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है दोस्तों। तो आप लोगों के पास मेरा रिक्वेस्ट है, ज़रूर मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। थोड़ा सा कैसे हो रहा है, ख़राब भी हो अच्छा भी हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास थोड़ा वीडियो मेरा शेयर करके थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी। तो पहले तो कुछ नहीं करती थी, सोच रही थी घर में बैठे बैठे बच्चे को संभाल के क्या कुछ करें, और हमारा ट्रांसफरेबल हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है, जगह जगह घूमती रहती हूँ तो क्या करूँ। तो चलो घर बैठे कुछ करती हूँ, तो 2-3 महीने से बहुत सीख सीख के अभी नया नया मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा, ठीक है? तो चलो दोस्तों खाना जल्दी बना लेती हूँ, बच्चे को फिर नहलाना भी है। अभी काम बहुत बढ़ गया है, जमतरी बढ़ गया है क्योंकि बच्चे को छुट्टी पड़ गई। ये तो बहुत मुश्किल है मम्मी लोगों का, है ना, जो सब मम्मी है सबको पता है। तो जिसका बच्चा छोटा है और भी मुश्किल है, बड़ा है उतना भी नहीं। तो चलो बच्चे को नहाने के लिए बिठा दिया क्योंकि बहुत गर्मी है, वो थोड़ा खेल ले और बाकी मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ। वो थोड़ा पानी में खेल लेंगे तो उसको मज़ा आएगा, है ना। फिर उसके बाद मेरा भी नहाना है, फिर पूजा देना है, काम बहुत है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो खाना वाना जल्दी बना के फिर मैं भी नहा लूँगी। उसके पापा का, मतलब मेरे हस्बैंड का आने का भी टाइम हो जाएगा। बड़ी वाली ट्यूशन में गई है, इतने गर्मी में उसके लिए भी बहुत चिंता हो रहा है। एक्चुअली बहुत बाहर धूप है और उसमें नए जगह है, वो कुछ भी पहचानती नहीं है। तो चलो दोस्तों उसका नहाना कंप्लीट, मेरा भी कंप्लीट, पूजा देना कंप्लीट, आप खिलाने के लिए बिठा बैठ गई। उसको तो अभी तक खिलाना पड़ता है, खाना नहीं उसका एकदम ही पसंद नहीं है, भुला भुला के मोबाइल देख के उसको खिलाना पड़ता है। अभी खिलाते खिलाते मेरा आधा घंटा 1.25 घंटा लग जाएगा, उसके बीच में इसके पापा आ जाएंगे। तो चलो दोस्तों खिला लेती हूँ। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगी। तो मैं देख रही हूँ आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों, बट प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करिए, जैसे मेरे मैं इंस्पायर होंगी और भी नए नए ब्लॉग बनाने के लिए। देख ही सकते हो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसके साथ मैं वीडियो बना रही हूँ, कैसे फीवर फीवर टाइप लग रहा है। तो चलो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही रहेंगे, फिर नए ब्लॉग के साथ फिर आ जाएंगे। पता नहीं कब आऊँगी, लड़की मुझे कैसे बनाने नहीं देगी, शायद बहुत मुझे कोशिश करना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए। तो चलो टाटा।